डिटरमिनेंट निकाल दीजिए इसका, बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ए बी सी पता ही है सबको किसको कहते हैं, माइनस सेवन ए स्क्वायर फोर इंटू ए और इंटू सी। सेवन का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, सौरभ खड़ा हो, ये माइनस सेवन का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, आगे आगे बैठे हैं सौरभ से आगे खड़ा हो, ये सेवन का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, उसके बगल में कौन है खड़ा हो, ये माइनस सेवन का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, उसे आगे लंबू खड़ा हो, ये माइनस सेवन का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, उसके बगल में कौन है खड़ा हो, ये माइनस सात का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, उसके बगल में अंकित खड़ा हो, ये किरा बताइए, सात सत्ते सात को सात से गुना करेंगे तो उनचास होगा, उनचास और चार दुना आठ त्रिक चौबीस, उनचास में से कितना, नौ में से चार गया तो, नौ में चार गया पाँच, चार में से दो गया तो दो। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बैठ जाइए, क्या होगा 49 बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं, माइनस तब होगा जब समान चिन्ह होगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और समान चिन्ह रहेगा तो, समान चिन्ह जब भी रहेगा रूल पढ़े नाइट क्लास में, पॉजिटिव और समान चिन्ह रहता है तो निगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ 25 हो गया, अब इसका क्या कह रहा है निकालने के लिए, इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करिए, पूर्ण वर्ग बनाने का विधि से इसको ज्ञात करना है वैल्यू। अब देखिए 2x स्क्वायर इसका अस्तित्व है तो लिख दीजिए, हाँ इसका अस्तित्व है, हाँ इसका अस्तित्व है, कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर को ए, कौन पीछे बात कर रहा है, बात मत करिए, इसका आंसर देखिए तो क्या है, आंसर देखिए, मिस्टर सौरभ सिट डाउन, कौन है जी, खड़ा होइए, बाहर खड़ा होइए, जाइए जाइए बाहर, कितना है, ठीक, इसका कितना हो जाएगा, रूट टू का एक्स स्क्वायर, और थ्री को क्या लिख सकते, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू ए बी, लेकिन ये होगा कहाँ, सेवन तो होगा ही नहीं है, नहीं सेवन नहीं होगा, अल्फा इजकल टू माइनस बी से बनेगा, अब बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस टू ए, माइनस बी यानि माइनस सेवन प्लस रूट टू यानि फाइव, टू इंटू टू प्लस सेवन प्लस रूट फाइव, दो दूना चार, इसको करिएगा माइनस बी, पच्चीस है ना ये, पच्चीस बाहर निकल जाएगा, पाँच प्लस माइनस, यहाँ दो कंडीशन होगा प्लस में भी और माइनस में भी, यहाँ प्लस माइनस दो कंडीशन होगा, चलिए माइनस वाला उसमें ले लेते हैं, सात पाँच बारह, बारह में से चार भाग आ दीजिएगा तो तीन, इधर माइनस बी कितना हो गया माइनस सेवन, और रूट डी का हो गया पच्चीस, टू इंटू ए, ए का वैल्यू कितना है टू, तो प्लस सेवन माइनस फाइव फोर, सेवन से फाइव गया तो कितना हो गया टू बाई फोर यानी वन बाई टू, तो दो तरह का इसका आंसर आएगा, एक्स प्लस थ्री इजकल टू जीरो। वर्ग बनाने का मतलब हुआ इस फॉर्म में लाना, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना, इसी को वर्ग बोलते हैं, इस फार्मूला के रूप में इसको बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8, दोनों तरफ से 8 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 8 गुना 16 एक्स स्क्वायर, 8 सत्य 56 एक्स, 8 त्रिक 24 बराबर 0। उसके बाद इसको कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की। इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपका 2 चौके 8 और 7, 7x अगर लिख दें 2 चौके 8 सत्य 56, तो यहाँ पे हमारा 56x आ गया, ठीक है। और यहाँ बी स्क्वायर 2ab यानी 7² प्लस 24, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या सब जुड़ाया है, एक्स्ट्रा जुड़ाया है आपका 7² अपने मन से जुड़े हैं, इतना हम घटा देंगे 7² को, ठीक है, बाकी सब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, 7² हम लोग लिए हैं अपने मन से, तो 7² इसमें जो है पुट भी कर दिए हैं, ठीक है। अब 7 × 49 जितना जोड़े उतना ही हम क्या किए, घटा दिए। किसी भी इक्वेशन में समान संख्या को जोड़ा जाता है, घटाया जा सकता है, गुना भागा किया जा सकता है, सेम नंबर सेम नॉन जीरो नंबर से भी मल्टीप्लाई डिवाइड एडेड एंड सब्ट्रैक्ट, ये रूल है आपका लीनियर इक्वेशन का। अब इसमें बनाइएगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो किसका फार्मूला आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो हो जाएगा 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर, बाकी जो इधर है इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 24, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 4x माइनस 7 का स्क्वायर, 49 में से 24 चला गया कितना बचेगा, माइनस 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 25 इक्वल टू 0। अब इसको हम LHS से RHS साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 25, ये रूट उधर जाएगा 4x माइनस 7 इक्वल टू रूट अंडर 25, रूट से बाहर निकलेगा ये प्लस और माइनस दो फॉर्म में ये आता है, 25 यानी 5 इसका बाहर निकल जाएगा, आमतौर पर प्लस लेते हैं लेकिन रूट से बाहर जब भी आएगा तो प्लस माइनस दोनों का वैल्यू होता है इसमें। तो हमारा दो कंडीशन हुआ, पहला 4x माइनस 7 इजकल टू प्लस 5, और दूसरा कंडीशन हो गया हमारा 4x माइनस 7 इजकल टू माइनस 5। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 5 और ये माइनस 7 LHS साइड से RHS साइड जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा 4x, अब 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, 8 नहीं होगा 12 होगा, और x इजकल टू हो जाएगा 12/4, ये कैंसिल होगा ना यहाँ पे 4 3 जा एक्स का वैल्यू हो गया 3, और दूसरा कंडीशन जो हमारा है इसमें 4x इजकल टू है माइनस 5 और प्लस 7, तो 4x इजकल टू कितना हो जाएगा 7 में से 5 गया तो 2, x इजकल टू क्या हो गया 2/4, ये कटेगा क्या 2/4, 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमने क्या देखा, हमारे पास दो वैल्यू आया, हैंस x इजकल टू 3 एंड x इजकल टू व्हाट इट इज 1/2, यही हमारा दो वैल्यू आएगा जिसको अल्फा और बीटा भी हम कह सकते हैं। बच्चे इसको राइट डाउन कर लीजिए, सो सॉल्व कर दीजिएगा, इसके नीचे 1 और x, 1x, x स्क्वायर, x 1 जा x 1 1 जा 1 यानी 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 3x, पॉसिबिलिटी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इजकल टू 0, इसमें 1 है, इसका मूल जो है फैक्टर वाले से नहीं निकलेगा, इसके लिए जो है हमको वही अल्फा प्लस बीटा और डिस्क्रिमिनेंट वाले से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इजकल टू होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए इजकल टू यहाँ पे क्या है, ए इजकल टू 1, बी इजकल टू क्या है माइनस 3, और सी इजकल टू क्या है माइनस 1, बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर, 4a एक जगह पे है 1, और सी के जगह पे कितना है माइनस 1, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, रोहित खड़ा होइए, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, प्लस 9 की माइनस 9,
ठीक बैठिए, और चार को करिएगा तो इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 13 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते ही हैं, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए। माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 3 प्लस रूट डी यानी 13, और 2a ए के जगह पे क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस रूट 13 बटा 2। ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू, और बीटा का निकालिएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए। माइनस बी यानी माइनस 3 माइनस रूट डी, रूट डी का वैल्यू कितना है 13, 13 दीजिए। 2a ए का वैल्यू कितना है 1, तो प्लस 3 माइनस रूट 13 बाई टू। तो हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया 3 प्लस रूट 30 बाई टू, और बीटा का वैल्यू हो गया 3 माइनस रूट 13। वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी प्रोपोर्शन, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। व्युत्क्रम किसको कहते हैं, मान लीजिए 1/6 लिखे, और 6 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/6, ये इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो रहमान है आपका, रहमान है, रहमान का मान लेते हैं अभी जो है x साल का है। ठीक है, अब रहमान वही रहमान जो है रहमान का कितना साल पहले का उम्र कह रहा है, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले, 3 साल पहले उसका उम्र कम होगा या घटेगा या बढ़ेगा कि घटेगा, 3 साल पहले बढ़ जाएगा उम्र उसका, तो फिर x माइनस 3 साल का हो गया। और फिर क्या कह रहा है, अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी प्लस 5 साल बाद क्या कितना हो जाएगा इसका, x प्लस 5 साल का हो जाएगा क्या। अभी अगर x साल का है तो 3 साल पहले x माइनस 3, 5 साल बाद x प्लस 5। जब भी उम्र आगे बढ़ेगा तो उसमें जोड़ेंगे, उम्र अगर पहले का कहेंगे तो घटेगा। अब इसका व्युत्क्रम बोल रहे हैं, व्युत्क्रम कर दीजिएगा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, x माइनस 3 का उल्टा कितना हो जाएगा, x माइनस 3, और 5 साल बाद का व्युत्क्रम तो x प्लस 5, और इसका योग कह रहा है, योग कितना कह रहा है 1/3, यानी 3 साल पहले का उम्र और 5 साल बाद का उम्र, और दोनों को जोड़ते हैं तो उसका सम कितना आता है 1/3। अब इसी को जो है स्टेटमेंट लिख करके बनाना पड़ेगा, देखिए, लेट द प्रेजेंट एज, एज ऑफ रहमान नाम है, रहमान इज इक्वल टू एक्स ईयर, मान लेते हैं अभी उस एक्स साल का है, सो द एज ऑफ रहमान बिफोर 3 इयर्स, 3 साल पहले, x माइनस 3 इयर्स, इसी तरह से आफ्टर एंड एज ऑफ रहमान आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, x प्लस 5 इयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसका 3 साल पहले का उम्र का व्युत्क्रम यानी x माइनस 3, 5 साल बाद का व्युत्क्रम यानी x प्लस 5 किसके इक्वल, 1/3 के। इसको सॉल्व, कौन बात कर रहा है जी, बात मत करिए, समझ में नहीं आएगा। हो गया x माइनस 3 x प्लस 5, एलसीएम दोनों का ये हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 5 यानी x माइनस 3, 1/3। सो सॉल्व करिएगा तो एक्स एक्स 2x, 5 में से 3 गया तो 2, ये हो गया x माइनस 3 x प्लस
फाइव इजकल टू वन बाई थ्री। इसको सॉल्व करिएगा, बातचीत मत करिए। कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू, इधर हो गया आपका कोना कोनी गुना कर दीजिए, तीन को इससे गुना कर दीजिएगा, तीन टू एक्स प्लस टू इजकल टू एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फाइव, ये हो जाएगा सिक्स एक्स और सिक्स, इधर एक्स से करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, माइनस थ्री से करिएगा तो माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस यानी फिफ्टीन। अब सबको एक्स स्क्वायर फिक्स साइड ले जाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, सिक्स का उधर ले चलिए माइनस सिक्स एक्स और माइनस थ्री एक्स तो है ही, फिर माइनस फिफ्टीन और इधर ले जाइएगा तो माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर छः तीन नौ, नौ में से पाँच गया तो चार एक्स, पंद्रह छः कितना हो जाएगा माइनस इक्कीस। अब इसको सॉल्व फिर वही फर्स्ट एंड लास्ट मेथड जो है उसे बनाना पड़ेगा, सात दिया इक्कीस और सात में से तीन गया तो चार, तो सात एक्स प्लस तीन एक्स माइनस इक्कीस इजकल टू जीरो, इसमें एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस सेवन हो जाएगा, थ्री कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस सेवन इजकल टू जीरो हो जाएगा। बालिका में कौन बात कर रहे हैं, बेंच नंबर तीन और चार, बातचीत मत करिए वहाँ पे। इसी को सॉल्व करिएगा, आगे तो हो जाएगा x माइनस सेवन और दूसरा हो गया x प्लस तीन बराबर जीरो, दो कंडीशन हो गया, एक x माइनस सेवन इजकल टू जीरो, एक हो गया x प्लस तीन बराबर जीरो, एक हो गया आपका x इजकल टू सेवन और दूसरा हो गया x इजकल टू माइनस थ्री। तो इसको इग्नोर करेंगे हम लोग, क्योंकि ए जो है कभी भी निगेटिव में नहीं होता, ये नहीं कह सकते कि वो माइनस चार साल का है या इम्पॉसिबल है, कभी भी प्लस में ही आता है, उसको इग्नोर करेंगे। तो हमारा रहा x इजकल टू सात साल, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वर्तमान आयु, तभी वो सात साल का है। सो द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एज कितना साल का, सेवन इयर्स। देखिए तो आंसर क्या है इसका, आयताकार खेत का विकर्ण, मान लेते हैं ये आयताकार खेत है हमारा, आयताकार खेत, आयताकार खेत मतलब रेक्टेंगल साइज का जो होता है उसको आयताकार, सीधा बैठिए ये तीसरा नंबर बेंच इनटू इधर के बैठो, आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं इसको जो ज्वाइन करता है दोनों वर्टेक्स को, उसी को कहते हैं विकर्ण। खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है, कहा गया छोटी भुजा, मान लीजिए ये चौराहे वाला होगा x, इससे 60 मीटर अधिक लंबा है तो x प्लस 60। फिर क्या कह रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा इसको माने हैं, इससे कितना ज़्यादा है, कहा गया क्वेश्चन, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो छोटी भुजा x इससे प्लस 30, ठीक है। इसी में कह रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, फिर से देखिए छोटी भुजा चौराहे वाले को मानेंगे कि लंबाई वाले को मानेंगे, चौराहे छोटा या लंबाई छोटा, छोटा भुजा मतलब x, इसको चौराहे को मानेंगे, इससे विकर्ण है 60 अधिक x प्लस 60 और छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा है इसका बड़ी भुजा तो x प्लस 30। इसी में अगर कहता है कि 30 छोटा है तो x माइनस 30 करते, कहता है इसे छोटा है तो x माइनस 60 करते, कह रहा है बड़ा है तो इसलिए क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब इसको बनाइए स्टेटमेंट के साथ, लेट द
लेट द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फील्ड फील्ड मीन्स खेत एक्स मीटर मान लेते हैं. सो द डायगोनल डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा एक्स प्लस 60 मीटर. इधर दिख रहा है सबको. एंड द लॉन्गेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा एक्स प्लस 30. अब यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री वाले में अप्लाई करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम. परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर. ये फॉर्मूला आप जानते होंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी स्क्वायर यानी एक्स एक्स स्क्वायर कम इन प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस टी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर यानी एक्स प्लस 60 स्क्वायर. एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी का स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा टी का स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा 3 3 9 दो ठो 0 बैठा दीजिए 900 2 3 6 ये हो गया 60x इधर हो गया एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर करेगा तो 6 6 3600 और 60 2 9 120x एक एक्स स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट जाएगा 60x में से वो 120x को इधर ले आइए और फिर और कहाँ गया 900 माइनस 3600 सबको ले आए RHS साइड से LHS साइड में 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा. यदुवंशी जी बताइए क्या होगा खड़ा हुई 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा कितना होगा आज की तुम खड़ा हो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x ही आएगा x स्क्वायर आएगा. ठीक है बैठ जाइए ध्यान दीजिए x स्क्वायर हो गया 120 में से 60 जाएगा तो माइनस 60x 3600 में चला गया तो कितना हो गया 9 3 27 9 4 36 तो 2700 हो जाएगा 0. अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा 2700 का एलसीएम लेना पड़ेगा 60 पूरा करने के लिए 2700 का एलसीएम 2 से पहले दे दीजिए फिर 3 से दिया जाएगा 2 से दीजिएगा तो 13 2 9 26 2 5 10 फिर 2 से दीजिएगा 2 6 12 1 2 7 14 1 बचा 2 5 10 7 6 13 5 18 3 से दीजिए 3 2 9 6 1 बचा 3 5 15 फिर 3 से दीजिए 3 7 21 1 बचा 3 5 15 फिर 3 से दीजिए 3 से दीजिएगा 25 मार्क दिया फिर लास्ट में 5 × 5. अब इसके सहायता से हमको 60 पूरा करना है ठीक है ना. ये जो नंबर है हमारे पास इस नंबर से हमको क्या लाना है 60. अब 60 90x और प्लस 30x कर दीजिए x माइनस 90 30 ले लीजिएगा तो x माइनस 90 बराबर 0 x माइनस 90 और x प्लस 30 तो दो वैल्यू हो जाएगा एक हो जाएगा x इजकल टू 90 एक हो जाएगा x इजकल टू 30 माइनस 30 तो माइनस वाला इसको इग्नोर करेंगे
अब आ गया x इक्वल टू 90, 90 अब इसमें क्या सब पूछ रहा था, क्या सब है इसमें, खेत की भुजाएं ज्ञात करिए, भुजाएं ज्ञात कर दिए, स्मॉलेस्ट वाला स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा x यानी 90, लार्जेस्ट साइड x प्लस 30, 90 प्लस 30 यानी 120, और फिर है डायगोनल, डायगोनल भी निकालना था कि नहीं निकालना था, कितना था 90 प्लस 60, भुजाएं सिर्फ निकालना है डायगोनल नहीं निकालना है, निकाल दिए वैसे 150 होगा। होमवर्क लिखिए सब लोग, सॉल्व एक्सरसाइज 4.3।